हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन क्लास 12 ज्योग्राफी. दिस इज़ चैप्टर नंबर 6 वाटर रिसोर्सेज एंड वी आर स्टार्टिंग मॉड्यूल नंबर 3 वाटर प्रॉब्लम्स. सो इन वाटर रिसोर्सेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट देयर आर टू सोर्स ऑफ वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. दे आर यूसेज इन डिफरेंट एरिया, इन इंडस्ट्रियल एरिया, इन एग्रीकल्चर एरिया एंड इन डिफरेंट स्टेट वाइज वेरिएशन दैट विच स्टेट यूजिंग मैक्सिमम ग्राउंड वाटर, मॉडरेट ग्राउंड वाटर एंड मिनिमम ग्राउंड वाटर एज वेल एज मैक्सिमम सरफेस वाटर, मॉडरेट सरफेस वाटर एंड मिनिमम सरफेस वाटर. इन दिस मॉड्यूल नंबर 3 वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वॉट आर द बेसिक एंड जनरल प्रॉब्लम ऑफ द वाटर और वी कैन से वॉट आर द एमर्जिंग प्रॉब्लम ऑफ द वाटर. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम. So as you know, if we see that all kind of problem generate due to the overpopulation, or we can say that population growth is a root cause for all kind of problem. यानी जितनी भी problem generate हो रही हैं, चाहे वो water scarcity है, चाहे soil degradation है, चाहे environment pollution है, so all चाहे urban waste disposal है, ये जितने भी problems हैं, इनका major जो cause है that is the population growth. So if it see the emerging water problem, so first the rapid growth in population, यानी population बहुत ज़्यादा rapidly increase हो रही है जिसकी वजह से water problems generate हो रही हैं. Like industries, क्योंकि जब population increase होगी so obviously number of industries increase होगी, agriculture area में productivity increase होगी and domestic sources भी increase होंगे. और ये सारे ही causeful हैं क्योंकि all these concerns use the water and they pollute the water. So major problem which are responsible for the declining the availability of potable water. So first problem that is the rapid growth of population. Second, if we see the problem, the per capita availability of water in India is also decreasing day by day. Because as you know that water is a लिमिटेड सोर्स, जो हमारी पूरी अर्थ सरफेस है, जहाँ हम फैक्ट एंड फिगर्स मॉड्यूल नंबर 1 में हमने देखा कि सिर्फ 1% ही वाटर जो पूरी अर्थ सरफेस पर वो फ्रेश वाटर है यानी यूजेबल वाटर है, और उसका भी 70% आइस कैप्स के फॉर्म में है. सिर्फ उस 1% का 30% ही वाटर हम यूज़ कर पा रहे हैं, और इवन यूज़ भी नहीं कर पा रहे, अवेलेबल है जो ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर की फॉर्म में है. तो जब इतनी कम वाटर अवेलेबिलिटी है और फिर हम उसको ओवर यूज़ करते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं या उसको हम पल्यूट करते हैं, सो ऑब्वियसली द वाटर डिक्लाइन इन द कमिंग डेज और प्रेजेंटली वी आर ऑल्सो फेसिंग द स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर. नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द water that is the deterioration of the water means degradation in the water quality. यानी water की कमी तो है ही, साथ ही साथ उसकी कम उसकी जो quality है वो भी degrade होती जा रही है. So if we see the water deterioration, you can see the coming out water from these pipelines, so the water color is totally black. So it's showing the deterioration of the water, यानी water का जो degrading quality है, कितनी ज़्यादा उसमें pollutant मिले हुए हैं, ये सभी show करता है. So water quality mean water free from unwanted foreign substance that make water polluted. यानी कुछ भी basically if we see the water composition, अगर हम water के composition को देखें तो water का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज़ द H2O मीन्स टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज़ द ओरिजिनल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर. लेकिन अगर इसमें अनवांटेड सब्सटेंस, वो कुछ भी हो सकता है लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट और अदर वेस्ट, जब ये सब इसमें मिल जाते हैं अनवांटेड क्वांटिटी और क्वालिटी में, सो दे मेक वाटर पल्यूट. So these toxic substances are responsible for the water pollution by dissolving or suspended in lakes, streams, river and oceans. यानी कि जब ये chemical, living organism या दूसरे industrial या domestic waste water में, stream में या किसी भी water point में mix होते हैं और ये water की quality को damage कर देते हैं. So that kind of water called as polluted water. Sometimes such pollutants means the chemical and other things, such pollutants seep down and pollute groundwater. यानी for example surface पर ये जो pollutants हैं वो नीचे percolate होते हैं और groundwater को भी धीरे धीरे pollute करते जाते हैं.
the most polluted river in India are Ganga and Yamuna. If we see the most polluted river of India, that is the Ganga and Yamuna. Because as you know, the Ganga and Yamuna, why they are most? Because both the river flowing from the metropolitan city like Delhi and other मेट्रो सिटीज़, यानी जितनी भी मेट्रो सिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली जो अपने आप में मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटीज़ भी है, यमुना रिवर वहाँ से फ्लो करती है, और गंगा जो पूरी की पूरी है वो दिल्ली, यूपी, बिहार, यमुना इज़ अ हेल्प रिवर ऑफ गंगा, सो गंगा जो रिवर है वो यूपी, बिहार, इन पूरे एरिया से, और यूपी इज़ फेमस फॉर द लेड इंडस्ट्री, फॉर द लेदर इंडस्ट्री, सो ये सारी इंडस्ट्रीज़ का पॉल्यूटेंट इसमें मिक्स होता है, एज वेल एज यूपी इज़ ऑल्सो हाइएस्ट पॉल्यूशन स्टेट in form of water, because the population is maximum of the UP in the entire India. Yani agar India ki hum population dekhein, toh sabse zyada population UP ki hai. So basically in sab causes se sabse zyada jo pollutant river hai wo Ganga aur Yamuna hai. So if you want to use the pure water, if you want to that everyone having or getting the potable water, so we have to do the conservation of this water. So such kind of conservation and management we have to do so that our future generation as well as we can use the potable water or fresh water in our present life as well as in future life. So there is a need of water conservation and management. As you can see these pictures, so these are a good examples of the water management and the conservation of water. Conservation and management of water become necessary after decreasing the availability of fresh water. यानी कि जैसे जैसे fresh water की कमी आती जा रही है, वैसे वैसे हमें water को manage करने की और उसको conserve करने की need भी increase होती जा रही है. For sustainable development and maintaining the quality of life, government should encourage people to adopt watershed management development. अगर government यानी सस्टेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी जितना डेवलपमेंट हम आज कर रहे हैं उतना ही डेवलपमेंट हम फर्दरली करते रहें, उसके लिए वी नीड टू एज वेल एज गवर्नमेंट नीड टू एनकरेज पीपल, यानी गवर्नमेंट को लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि वो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को अडॉप्ट करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, रिसाइकल करें वाटर को एंड रीयूज ऑफ वाटर. सो दीज आर फोर मैथड विच शुड यूज़ बाई ईच एंड एवरी पर्सन, जो हर पर्सन को यूज़ करने चाहिए. वाटरशेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम अडॉप्ट करना चाहिए, अब सभी को अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, रिसाइकलिंग यानी वाटर को रिसाइकल करना चाहिए, लाइक इन इंडस्ट्रीज इफ वंस वी यूज़ द वाटर देन सेकेंडली वी यूज़ दिस पॉल्यूट वाटर एज टू कूल डाउन द मशीनरी, यानी मशीनरी को कूल डाउन करने के लिए भी हम इस पॉल्यूट वाटर को यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ द वाटर एंड रीयूज ऑफ द वाटर. वाटर को रिसाइकल कैसे कर सकते हैं? पॉल्यूटेंट वाटर्स को डिफरेंट फिल्टर्स के थ्रू पास थ्रू करके, इम्प्योरिटीज़ को सेग्रीगेट करके हम वाटर को भी रिसाइकल कर सकते हैं, प्योरिफाइंग फॉर्म में कर सकते हैं. सो बाय ऑल दिस थिंग्स वी कैन इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ क्वालिटी वाटर एंड वी कैन यूज़ द वाटर फॉर आर लॉन्ग time. Thank you.